हम सभी जानते हैं कि ईडी ने और सीबीआई ने जो एक्साइज पॉलिसी में एफआईआर और चार्जशीट दाखिल की है और तमाम वो लोग जिनका चार्जशीट में और एफआईआर में नाम आया है उन सबको बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता की कमाई के करोड़ों रुपए वो देश के महंगे महंगे वकीलों पर खर्च करना शुरू कर दिया है। एक कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। आज एक्साइज पॉलिसी में कहीं ना कहीं जो आग लगी हुई है वो धुआं हमें दिखाई दे रहा है। जो हमारे पास में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसकी एक एक कॉपी आपको भी उपलब्ध करा देंगे कि दिल्ली सरकार ने कैसे दिल्ली की जनता का केवल पिछले 8 महीने में 1 वकील को 18,97,00,000 रुपए और 1 वकील को 5,30,00,000 रुपए की केस लड़ने के लिए पेमेंट की है। केवल 8 महीने की मैं आपको फिगर दे रहा हूं, क्योंकि आपने चोरी की है। हम जब हिंदी पिक्चर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, क्रिमिनल होता है और उसका बेटा कोई क्राइम करता है तो उसका बाप कहता है कि भाई देश का चाहे बड़े से बड़ा वकील लेके आइए मगर मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको उसी रेलेवेंस में एक पिक्चर का डायलॉग में दिखाना चाह रहा हूं। तो हमारे पुलिस को भी हमारी एजेंसी को भी सारे सबूत मिल चुके हैं। ये मैं आपको रेलेवेंस इसका बताया क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई ऐसे गैंगस्टर या कोई ऐसे पिक्चरों में किसी को पकड़ लेते थे तो उसके गैंग में ये बात होती थी कि देश का सबसे बड़ा जो वकील है भले ही वो क्यों ना करना पड़े और उसको जितनी मर्जी फीस देनी पड़े मगर हमारा आदमी जेल में नहीं जाना चाहिए। यही हो रहा है दिल्ली सरकार में। आज मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पार्टी तो पढ़े लिखों की पार्टी है, क्या आज आपकी पार्टी में कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं बचा कि जो आपका केस लड़ ले? आपकी पार्टी में तो एक आपके सोमनाथ भारती भी हैं, जब वो एमएलए बने तब आपने उनकी बड़ी तारीफ की थी कि बहुत ये तो जाने माने बड़े वकील हैं, क्या आप उनसे भी अपना केस नहीं लड़वा सकते? आपको देश के सबसे बड़े वकीलों को 25-25 करोड़ रुपया देकर वो अपना केस लड़ाने की जरूरत पड़ रही है, उसका कारण क्या है वो बताइए। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल भी होते हैं, दिल्ली सरकार के सरकारी वकील भी होते हैं जो उनके पैनल पर होते हैं और वो सीनियर लॉयर होते हैं, मगर आप उनसे अपना केस नहीं लड़ाना चाहते। आप अपना केस किनसे लड़वा रहे हैं? आप हमेशा हमें कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का कुछ चल रहा है, भाजपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन है। ये जो पिछले 8 महीने में 18,97,00,000 रुपए की फीस दी है, इस वकील का नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी कौन है हम सभी जानते हैं, वो कौन से पार्टी के नेता हैं वो भी हम सभी जानते हैं, देश जानता है। आपको अपनी पार्टी में कोई वकील नहीं मिला, आपकी तो पढ़े लिखों की पार्टी है, आप कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर आते हैं
और उनको 18 करोड़ 97 लाख रुपए की उनको पेमेंट कर देते हैं केवल एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए। मैं आपको एक और जानकारी भी देना चाहता हूं कि पिछले 8 महीने में दिल्ली सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी, वुमेन एंड चाइल्ड, एक्साइज, एनवायरमेंट, हेल्थ, प्रोसिक्यूशन, ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, पावर, ये जितने भी उनके डिपार्टमेंट हैं दिल्ली सरकार के, उनके ऊपर कुल मिलाकर पिछले 8 महीने में 20 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया और 20 करोड़ में से 18 करोड़ 97 लाख रुपया केवल अभिषेक मनु सिंघवी को पेमेंट कर दी केवल एक्साइज डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट। बाकी डिपार्टमेंट के केसेस तो आपके सरकारी वकील लड़ रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट के सारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस आपके जो दिल्ली सरकार के वकील हैं वो लड़ रहे हैं, मगर केवल एक्साइज डिपार्टमेंट का केस वो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने चोरी करी। एक तो चोरी करी, एक तो आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई उसमें आपने बहुत सारा पैसा कमाया, ऊपर से अब उसको छुपाने के लिए ताकि आपके नेता जेल ना जाए तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो सीधा सीधा डिप्टी सीएम के अंडर आता है वो इतना करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का खर्च कर रहा है। अब मैं आपको दूसरे वकील का नाम बताता हूं कि उनका दूसरा वकील कौन है जिसके ऊपर उन्होंने 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पेमेंट करी है। वो दूसरे वकील का नाम और कोई नहीं, उस वकील का नाम है राहुल मेहरा। अब ये राहुल मेहरा कौन है, ये आप अगर अपने मोबाइल पर गूगल करेंगे कि राहुल मेहरा कौन है तो आपको आएगा कि राहुल मेहरा इज आप पार्टी लीडर, वो आप पार्टी का लीडर है ऑलरेडी, और राहुल मेहरा इज को फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी, तो वो आम आदमी पार्टी का को फाउंडर भी है। वो भी उनका केस फ्री में नहीं लग रहा, वो भी 5 करोड़ 30 लाख रुपया दिल्ली की जनता के पैसे उसको पेमेंट की जा रही है। एक आम आदमी की भाषा में एक लाइन हम बहुत ही बोलते हुए सुनते हैं कि अंधी मची हुई, अंधेर कर दी। क्या अपने कार्यकर्ता को वकील लेके आते हैं एक्साइज पॉलिसी में 5 करोड़ 30 लाख, 18 करोड़ 97 लाख, क्या कोई शर्म बची है या नहीं बची? दिल्ली सरकार जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं केवल बेफिजूल की चीजों पर दिल्ली का जनता का पैसा खर्च करती है। वो क्या है बेफिजूल की बातें, कि अपना दिल्ली सरकार का एड बजट 4200% इंक्रीज कर दिया। जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली का जो सरकार का एड बजट है वो 4200% बढ़ गया, और वो क्या करते हैं अपने सरकारी घर में 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवाते हैं, अपने सरकारी घर में करोड़ों रुपए का आलीशान बंगला बनाते हैं अपने सरकारी घर में दिल्ली की जनता के पैसों से, और वो क्या करते हैं दिल्ली की जनता के पैसों को ऐसे महंगे महंगे वकीलों पर खर्च करते हैं। अब अगर दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं बना, अगर कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि वो सारा का सारा पैसा वो ऐसे स्विमिंग पूल, वकीलों की फीस और एड पर चला गया। क्या आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने जो 2022-2023 का बजट अपना दिया था वो बजट ये कहता है कि जो उनका कैपिटल आउटले है वो अंडर स्पेंट है। कैपिटल आउटले क्या होता है कि सरकार अपना पैसा जो अपने एसेट बनाने के ऊपर में खर्च करती है, जैसे रोड बनाने के ऊपर, हॉस्पिटल बनाने के ऊपर, यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर, तो ये सीएजी की रिपोर्ट है
कि दिल्ली सरकार का जो पैसा है वो अंडर स्पेंट, वो पैसा खर्च नहीं कर रही है कैपिटल बनाने में। आपने बहुत बार अरविंद केजरीवाल को कहते हुए सुना होगा कि देश में केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो फायदे में चल रही है, जो मुनाफे में चल रही है, जिसके पास में ज्यादा पैसा है, वो घाटे में नहीं चलती। आपने कई बार दिल्ली की जनता, मगर इसके विपरीत सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2015 से 2020 तक दिल्ली सरकार का जो डेट है वो 7% बढ़ गया है, 7% दिल्ली सरकार का 7% डेट हैज बीन इंक्रीज। तो आप जो बार बार कहते हैं मुनाफे में चल रहे हैं, तो मुनाफे में तो चलोगे जब आप कोई हॉस्पिटल नहीं बनाओगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाओगे, कोई रोड नहीं बनाओगे, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाओगे, जो आपका रेवेन्यू है उसको खर्च ही नहीं करोगे। बाकी सरकारों के मुकाबले अगर आप देश की अन्य सरकारों से दिल्ली को कंपेयर करें तो बाकी सरकारें अपने राज्य में हॉस्पिटल बनाती हैं, फ्लाईओवर बनाती हैं, विश्वविद्यालय बनाती हैं, तो उनका पैसा वहां पर खर्च होता है, मगर दिल्ली सरकार कुछ नहीं बनाती, इसलिए उनका सरकार का पैसा वो खर्च नहीं होता। केवल बात इतनी सी। दूसरी बात कि दिल्ली एक ऐसा हमारा यूटी है कि जहां पर पुलिस, हम सभी जानते हैं कि पुलिस यहां पर कितना बड़ा बल है, उसका 100% पैसा कौन खर्च करता है? भारत सरकार खर्च करती है, मगर बाकी राज्यों में वहां की पुलिस का कौन सारा सैलरी देता है, कौन सारा जो उनका खर्चा होता है वो वहां की राज्य सरकार देती है। तो वहां की राज्य सरकार पैसा दे रही है तो उनका पैसा खर्च हो रहा है, यहां पे दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, भारत सरकार दे रही है तो उनको मुनाफा हो रहा है। तो दिल्ली में अधिकतर चाहे डीडीए है, एनसीडी है, चाहे एनडीएमसी है, दिल्ली कैंट है, चाहे पुलिस है, ये सबका पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है।